हेलो दोस्तों, तो यार अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता थोर लव एंड थंडर के ट्रेलर का। यार मूवी को आने में 4 महीने से भी कम वक्त बचा है और अभी तक ट्रेलर तो छोड़ो टीजर भी देखने को नहीं मिला, और हमें मिस मार्वल की तो रिलीज डेट भी नहीं पता थी, फिर भी उसका अच्छा खासा ट्रेलर आ गया जिसकी ना तो किसी उम्मीद थी और ना ही आशा थी। तो यार अगर केविन चाचा मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दे तो मैं उनसे पूछ ही लूंगा कि काहे रिलीज नहीं कर रहे हो ट्रेलर। पर यार अब वो भी क्या करे, हमें कुछ रिपोर्ट्स और लीक के दौरान पता चला है कि थोर लव एंड थंडर की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। मतलब शूटिंग तो पूरी हो गई है पर रीशूट पूरे नहीं हुए। तो यार ऐसा सुनने में आया है कि अभी रीशूट कंप्लीट नहीं हुए हैं और स्टोरी में भी कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। नहीं, इतने बड़े चेंजेस भी नहीं कि जेन को ही मूवी से हटा दे, बल्कि बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस होंगे। और यार रीशूट सुनकर कोई उदास मत होना, क्योंकि रीशूट कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। रीशूट सबके होते हैं और रीशूट होने का मतलब है कि मूवी में कुछ सीन अच्छे नहीं होंगे या फिर टीम को वो सीन पसंद नहीं आए होंगे। अब जैसा कि रीशूट तो नो वे होम के भी हुए थे, और अब आप ही देखो वो मूवी कितनी अच्छी है। जैसा कि उस मूवी ने 83 को भी पीछे कर दिया था इंडिया में, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के भी रीशूट हुए हैं और वो फिल्म भी बस आने में ही है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से याद आया, हो सकता है कि उस मूवी के लास्ट में हमें थोर लव एंड थंडर का कुछ भी बता दे, वैसे ही जैसे नो वे होम में बताया था डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो वो तो 6 मई की बात है, जो भी होगा वो होना होगा। तो यार आप कोई भी ट्रेलर की उम्मीद मत रखना मार्वल से, वो आएगा तब आएगा, और वो जब आएगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बस ऐसा ना हो कि मूवी ही डिले हो जाए। वैसे मूवी डिले होने के चांस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उस मूवी की एडिटिंग टाइम पर खत्म नहीं हुई तो उसे डिले ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो हम आशा के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते कि वो मूवी जल्द से जल्द आ जाए। तो चलिए अब चलते अगली वीडियो में, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इतने अपना ख्याल रखना और हमें एक व्यू देख के जाना।